गांव गाड़ी के अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति भी अमित शाह जी को और मोदी जी को धन्यवाद देता है। अब देश को पूरा भरोसा है कि जिन मुद्दों को लेकर एनडीए और भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर आई है, ये एक डेढ़ साल के अंदर ही सारे मुद्दे जो इस देश के 70 साल से कांग्रेस ने जो गंदगी पैदा की इस देश के अंदर, श्रीमती नवनीत राणा, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। आपका अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सीरियस इशू पे पहली बार ये सदन में आए हैं जिन्होंने पिछले 70 सालों में ये प्रश्न के लिए लड़ाई की, जितने भी सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। मुझे लगता है हमारा योगदान काफी नहीं है इसे समर्थन देने के लिए। मुझे लगता है सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी का है तो पिछले 70 सालों के लिए ये प्रश्न पे जितने सैनिकों ने, जवानों ने, वो बॉर्डर पे अपनी जवान शहीद हुए, ये उनका क्रेडिट है, उनका सब अधिकार है। कोई पार्टी, कोई पक्ष किसी के भी हक में ये नहीं जाता, ये इंसानियत के हक में जाता है। मुझे लगता है एक युवा के नाते और एक एक देश की नागरिक होने के नाते मैं आप लोगों को, आपको मेरी फीलिंग्स बताना चाहूंगी कि जब से कल राज्यसभा में ये निर्णय हुआ तो सोना मुश्किल था कि कब हम जाके ये बिल का समर्थन करेंगे, कि हमें इस बिल में हमारा योगदान कैसे रहेगा। आज मुझे लगता है आजादी के बाद जो सबसे बड़ा दिन होगा 15 अगस्त को आने के लिए शायद और 8-10 दिन बाकी है, तो मुझे लगता है ये सही आजादी आज होगी और आज बिल पास होने के नाते होगी। और मुझे लगता है कि जब हम कश्मीर घूमने जाते हैं तो कश्मीर के लोग हमें पूछते हैं आप भारत से हो, अगर वो भारत का अंग होता आज तक, अगर वहाँ के लोग हमें अपना अंग मानते, भारत को अपना अंग मानते, तो वो कभी हमसे ये प्रश्न नहीं पूछते कि आप भारत से हो कि आप कहीं और से हो, अगर उन्हें इंडिया से हो। तो मुझे ऐसा लगता है आज के बाद जम्मू कश्मीर, मीर 2 मिनट्स अंडी, हाँ अरे नाक तेलुसु मीर ऑपोजिशन पार्टी लो उन्नारा, नेनु कूडा ऑपोजिशन इंडिपेंडेंट उन्ना, नेनु सपोर्ट चेस्तुन्नारु, मी 2 मिनट्स आगंडी। और जब जम्मू कश्मीर में हम जाते हैं, जब जम्मू कश्मीर में जाते हैं तो वहाँ की परिस्थिति, वहाँ पे रेस्टोरेंट, वहाँ पे ढाबे, वहाँ का खाना, वहाँ का रहना सहना और वहाँ की गरीबी जब देखते हैं तो ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि वो हमारे देश का अंग है। जिस तरीके से वो रहते हैं, जिस तरीके से उनके नॉर्म्स है, एजुकेशन से, हॉस्पिटलिटी है, वहाँ पर जो लोग सर्वाइव कर रहे हैं, मुझे लगता है बहुत कम। और आज मैं अमित शाह जी से आपका अभिनंदन करना चाहूंगी। मोदी जी जब स्पीच बोलते थे, भाषण बोलते थे कि मेरी 56 इंच की छाती है, और आज रियल माने में दिखा गया कि 56 इंच किसे बोलते हैं। पहले सेशन में लाकर सभी लोगों के सामने एक सुंदर कहा है, जब तक सूरज चांद रहेगा कश्मीर हिंदुस्तान का अंग रहेगा। और अमित शाह जी और मोदी जी, आपका नाम हर दिल में, हर जुबान